अस्सलाम वालेकुम भाई लोग एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। और अगर आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा है तो आपको बता दूं कि मैं फैसलाबाद में हूँ। फैसलाबाद दरअसल मेरे मामू का घर है, मेरी खालाएँ रहती हैं फैसलाबाद में, यानी कि मेरा तमाम जो नानका है ना वो फैसलाबाद में रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आने की वजह ये नहीं है, आने की वजह कुछ और है। मैं दरअसल एक फंक्शन अटेंड करने आया था। अब वो क्या फंक्शन है वो भाई कंटेंट आगे का गेन सरप्राइज। दूसरी बात ये कि मैं परसों आया था फैसलाबाद और व्लॉग मैं कल बना चुका हूँ। और तीसरी बात ये कि मैं व्लॉग आज आपको यहाँ बैठे बैठे दिखाऊंगा। कल मैंने व्लॉग बना लिया और मैं आज आपको यहाँ बैठे बैठे व्लॉग दिखाऊंगा और आप खुद व्लॉग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। फैसलाबाद आने के बाद मैं बहुत थक गया था सफ़र करके। सॉरी मैं सफ़र का व्लॉग भी बना सका क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था और बारिश भी हो रही थी, तो व्लॉग मेरे से हैंडल नहीं होना था, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। और सुबह जब मैं उठा तो जरी बात है फैसलाबाद में, और सुबह का नाश्ता फैसलाबादी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं और अदील भाई गए नाश्ता लेने। भाई जब अदील भाई वही मेरे कज़न है जिनका अक्सर मैंने व्लॉग में जिक्र किया। हाँ तो भाई लोग अभी हम आए हैं यहाँ पर नाश्ता लेने और ये मेरे साथ हैं अदील भाई। यार अभी याद लो तो अभी हम नाश्ता लेने हैं और ऐसी कोई आपको मेरी हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा, ऐसी कोई तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये फैसलाबाद का हमारा सदर बाज़ार है और ये सारा भीगा वेस्ट है, तो अभी हम नाश्ता लेंगे उसके बाद घर जाएंगे और नाश्ता करेंगे। रखें कि फैसलाबाद में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी उस दिन, और फैसलाबाद की खास बात है कि जब गर्मी होती है वो भी सही मंदी करके होती है, जब सर्दी होती है वो भी सही ठंड रखती है। भाई लोग तो नाश्ता ले लिया है और अब सीधा घर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ये नाश्ता जल्दी से ठंडा हो जाएगा और हमें बहुत सख्त भूख लगी है। नाश्ता लेके घर आए, फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग गए शॉपिंग के लिए, और देखें फंक्शन हो तो फिर शॉपिंग तो लाजमी है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं तो शॉपिंग कर लेनी चाहिए। हम लोग आए हैं स्टैम्प शॉपिंग करने मिनी माइनर पे, और हम इन जनाब की हम शॉपिंग करने आए हैं फंक्शन की। और ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हम चार बंदों को एक मोटरसाइकिल बिठा के लाए बारिश में, तो बहुत ज़बरदस्त ड्राइवर है। शॉपिंग देखें भाई मेजर काम होता है, इसलिए ढूंढ ढूंढा के ही होता है। तो बच्चों की शॉपिंग थी और बच्चों के कपड़े इतने बड़े फैसलाबाद शहर में अगर मुश्किल से मिलें तो बंदे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। शॉपिंग करने तो हम लोग चले गए लेकिन अगेन बारिश अभी भी लगातार हो रही है। भाई लोग हम तो निकले थे शॉपिंग के लिए और सुबह बेड़ा गर्क हो गया, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप पीछे देखें। और सुबह से दो दफ़ा हुआ कि हम जब भी घर से निकल रहे हैं बारिश डबल हो जाती है। हमारा इवेंट जो है वो कल है, तो दुआ करें कल बारिश ना हो। अरे भाई ये जो क्लिप आपने देखा है इसमें हम शेल पेट्रोल पंप के नीचे खड़े थे और हम एक वाइट शर्ट ढूंढ रहे थे बच्चे की और वो ही नहीं मिल रही। मिली फिर कुछ नहीं मिल रही? ब्लैक पैंट, जेट ब्लैक के अलावा शॉपिंग करने में आप खाली मर्द मर्द हैं तो फिर ठीक है, और अगर आपके साथ कोई लेडीज़ है तो ख्वारी पक्की, क्योंकि एक दुकान से शॉपिंग हो जाए ना भाई ना, ये तो रूल है ही नहीं औरतों की लिस्ट में। खरीद करनी पड़ी, मैंने कहा चलो फंक्शन है कर लो यार, थोड़ी सी ख्वारी है ना कर लो। उसके बाद हम गए फाइनली चेज़अप पे। भाई लोग बड़ी मुश्किल से बच बचा के हम लोग निकले हैं बारिश से, और अभी हम इस टाइम मौजूद हैं चेज़अप में, और आई होप यहाँ से कपड़े मिल जाएँ क्योंकि पहले जहाँ गए थे वहाँ से तो नहीं मिले। और ये अब्दुल हादी, अब्दुल हादी हाथ ला दो, हाथ ला दो नहीं भाई बेस्ती होगी। हादी कहाँ लेके जा रहे हो? जैसा पे भी हमें थोड़ी ढूंढ ढुढाई करनी पड़ी लेकिन वहाँ पे कपड़े मिल गए। और आप एक बार यकीन करेंगे हम बाहर आए तो हमने हैरान हो गया। भाई लोग रेन फिनिश, शुक्र अल्लाह ताला तेरा। फाइनली तीन घंटे की फारी के बाद जब हम घर आए
तो हमें कुछ खबरी सुनने को मिली कि भाई शादी पे जाना है यार। देखें इनविटेशन मेरे लिए नहीं था, मैं तो खाली साथ नहीं हुआ था, लेकिन चलो यार भाई लोग, तो मैं इस टाइम शादी में पहुंच चुका हूं। और शादी में आपको पता है कि बंदा एक सिर्फ एक काम के लिए आता है, तो समझ तो गए होंगे। और आपको ये भी पता हो कि मैं उस काम में काफ़ी महारत हासिल हूँ। तो जिस फंक्शन पे गए थे वो बारात था, और बारात तकरीबन कोई 2 घंटे लेट थी कि हम घर वालों से ही पहले पहुँचे हुए थे। तो जारी बात है, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, शॉपिंग से आगे कुछ खाया भी नहीं था, तो भूख बहुत डाढ़ी किस्म की लगी हुई थी। खैर खाना खुला और अदील भाई को कस्टर्ड बहुत पसंद है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत पसंद है। हाँ अदील भाई कैसा है कस्टर्ड? ठीक है। देखिए मैंने अदील भाई को एक्सपोज किया, उन्होंने तो बदला लेना था मुझसे। हाँ जी सभी साहब, खाना कैसा है? ये तो बहुत थोड़े चावल रह गए, हड्डियाँ जो हैं इसने इस टेबल के नीचे छुपा के रखी। फिर हम जी शादी से वापस आए, और कल के फंक्शंस की तैयारी भी तो करनी है, सारी अरेंजमेंट्स भी तो करनी है। तो फिर हम लोग गए कोल्ड ड्रिंक्स लेने। हम लोग आए हैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स लेने, और आप देख सकते हैं कि मैंने जैकेट दोबारा पहन ली, क्योंकि बाहर एज यूजल फिर बारिश शुरू हो गई है, ये आप चेक करें। तो कोल्ड ड्रिंक लेने आए हैं हम, और ये बेकरी पे आए हैं, और यहाँ से भी कोल्ड ड्रिंक लेंगे फिर घर जाएंगे। और जब फिर कोल्ड ड्रिंक्स पे इतना खर्चा हो ही रहा है, तो फिर हमने सोचा थोड़े से अपने लिए बिस्किट्स भी ले लें, सॉरी बिस्कुट जी भाई, बिस्किट बिस्किट पंजाबी बिस्कुट बिस्कुट। देन हम लोग वापस घर आए, और यहाँ पर हमारा एक तवील दिन ख़त्म हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनानी थी एज अ व्लॉग की शक्ल में, तो आई होप आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। बाय द वे ये है अब्दुल वासे, अब्दुल वासे हाथ लाओ, हाथ ला दो, हाथ ला दो, नहीं भाई बेइज्जती करा दी फिर एक दफ़ा। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तब तक के लिए आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, ओवर एंड आउट। यार अदी भाई जल्दी करो, अभी केक का ऑर्डर भी देना है।